अब यहाँ पर सेकंड ट्रॉफी बांटने के लिए हम आगे बढ़ चुके हैं और सेकंड ट्रॉफी बांटने के लिए मैं संजय पापी और मेरी टीम पूरी की पूरी पहुंच चुकी है परसवाड़ा के करीब। परसवाड़ा के करीब जब पहुंचे तो यहाँ पर फेंसिंग लगी दिखी, कुछ किसान काम करते दिखे। चलिए उनको किसानी के संदर्भ में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और आंसर दे देते हैं, तो उनको हम दे देंगे यार ट्रॉफी। और आपको मालूम है जिस तरीके से ये जो ट्रॉफी है हमें स्पॉन्सर्ड किया गया है श्री ज्वेलर्स तिरोड़ा के तरफ से, और मैं संजय पापी एसपी कलर्स व्लॉग पे काम कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर हमारे साथ में किसान हैं, इनको पूछ रहे काका जी आपका नाम क्या है? बाबूलाल जी पटले हमारे साथ में, इनको पहला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। सर आप अपने खेती में खत मारते कहीं ना कहीं, हाँ। प्रोडक्शन होने के लिए मारते हैं ना, हाँ। तो आप यूरिया खत मारते हैं? यूरिया भी नहीं मारते हाँ, लेकिन जब भी मारते हैं हाँ। यूरिया मारते हैं ना हाँ। तो यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? वो पता नहीं जी। चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि आप धान की फसल लेते हैं हाँ। और उसके बाद में आम की भी एक फसल होती है, तो हापुस करके आम है वो इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाता है? आम नहीं निकलता इधर, अपने इधर नहीं निकलता, नहीं निकलता। ठीक है जी, मुझे बताइए अपने इधर। मैं तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको, तीन क्वेश्चन में से अगर आप तीनों क्वेश्चन के आंसर दे दिए रहते तो आपको ट्रॉफी मिली रहती, लेकिन यहाँ पर तीन क्वेश्चन के आंसर आपकी तरफ से नहीं आ रहे। तो चलिए फिर भी एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ कि हम लोग रब्बी और खरीफ दो फसल लगाते हैं, तो रब्बी में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल लगाई जाती है? आंसर देने वाले मिलते हैं क्या? तो चलिए दोस्तों आइए। हाय दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे प्रोग्राम में जहां पर हम स्मार्ट लोग ढूंढते हैं। तो आज पहुंच चुके हैं हम परसवाड़ा, और परसवाड़ा में यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम लेने वाले हैं। और ये प्रोग्राम का रूपरेखा ऐसा है कि जो भी इंसान हमारे इन तीन क्वेश्चनों का आंसर दे देगा रेगुलर, तो उसे हम देंगे ये ट्रॉफी जिसे स्पॉन्सर्ड किया है भाई साहब श्री ज्वेलर्स तिरोड़ा ने। तो ये ट्रॉफी श्री ज्वेलर्स तिरोड़ा के तरफ से उन बंदे को देंगे एसपी कलर्स व्लॉग इस फाउंडेशन पे। तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ में क्या नाम आपका? अश्विन कुमार भगत। अश्विन कुमार भगत जी हमारे साथ में यहाँ पर आए। अश्विन कुमार भगत जी को हम तीन क्वेश्चंस पूछेंगे और ये तीन क्वेश्चनों का सही आंसर दे देते हैं तो इनको हम गिफ्ट करेंगे ये ट्रॉफी। तो मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप खेती किसानी का काम करते हैं, ठीक है? तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि आप यूरिया जो खेत में मारते हैं, यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है? 46%, जो कि काफ़ी अच्छा आंसर है, बिल्कुल सही आंसर दिया है इन्होंने। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा चावल का फसल मीन्स धान का फसल किस राज्य में होता है? महाराष्ट्र नहीं, इंडिया की बात कर रहा हूँ, और स्टेट वाइज मुझे बताइए सबसे ज़्यादा चावल का फसल किस राज्य में होता है? नहीं मालूम। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका गलत हो चुका है। तो अब हम इधर पूछते हैं, कुछ बंदे इधर भी बैठे हुए हैं, इनको पूछते हैं। तो सर जी क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अंसारी जी मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको। मुझे बताइए चावल का फसल इंडिया के अंदर में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? नहीं, चलिए हम आगे और पूछते हैं। नहीं नहीं, सर जी मुझे बताइए, सर जी से पूछते हैं एक क्वेश्चन। सर जी मुझे बताइए यूरिया में सबसे ज़्यादा यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? 46। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर इन्होंने सही दिया है। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए कि रबी लगाते हैं हम लोग, तो हमारे यहाँ रबी में धान के बाद में एक विशेष फसल होती है, धान के बाद में सेकंड नंबर पे कौन सी फसल लगाई जाती है? चलिए अभी एक क्वेश्चन इनके तरफ जाएगा, गेहूँ होता है, तो इनको हम सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे अब। मुझे एक बात बताइए कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा गेहूँ का फसल कौन से राज्य में होता है? नहीं गलत। चलिए आगे घनश्याम देवारे है ना, तो घनश्याम जी देवारे आप मुझे बताइए कि हम लोग सुल्तान एक दवा मारते हैं ना, सुल्तान दवा मारते हैं खेती में, सुल्तान दवा किस रोग पे काम करती है? नहीं गलत आंसर है, तो सर जी को पूछ लेते हैं। सर जी मुझे बताइए सुल्तान दवा किस रोग पे काम करती है? गुड़ कीड़ा, जो कि बिल्कुल 100% सही आंसर है। तो सर जी गुड़ कीड़ा इस पे सुल्तान दवा काम करती है। सेकंड क्वेश्चन हम आपको पूछ रहे हैं और सोच समझ के आंसर दीजिएगा, अगर आंसर आपका सही आ गया
तो आपको मिलेगा श्री ज्वेलर्स तिरोड़ा के तरफ से और हमारे एसपी कलश विलाव फाउंडेशन के तरफ से ये सुंदर सा एक ट्रॉफी। तो हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आपको सेकेंड कि मुझे बताइए कि पूरे इंडिया के अंदर हापुस यहाँ एक आम का प्रकार है, हापुस आम किस जिले में सबसे ज्यादा होता है? जो कि गलत आंसर है। अरे आप बताएंगे कि सबसे ज्यादा हापुस आम कहाँ पर पकता है? रत्नागिरी। बिल्कुल 100% सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ कि चावल की फसल सबसे ज्यादा किस राज्य में होती है? चावल की फसल सबसे ज्यादा फसल अपने अभी मध्य प्रदेश में होती है। जो कि गलत आंसर है सर जी। महाराष्ट्र में भी बोलते हैं, तीन राज्य में आंध्र, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये तीनों राज्य के अंदर में। नहीं नहीं नहीं, चलिए तो हम फिर भी एक चांस और आपको दे रहे हैं, है ना। मैं तीन क्वेश्चन अभी पूछ रहा हूँ आपको। पहला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि नागपुर में सबसे ज्यादा फेमस चीज क्या है? संतरा का उत्पादन ज्यादा है। संतरा का उत्पादन है और संतरा ऑरेंज सिटी करके उसको। बिल्कुल बहुत सही। आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन इनका सही आया है। सेकेंड क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ कि अपने यहाँ जो सुल्तान दवा मारी जाती खेत में, ये कौन से रोग पे काम करती है? अभी भैया ने अब खोड़ कीड़ा बताया, अब मैं कंफर्मेशन नहीं बता सकता। चलिए, लेकिन खोड़ कीड़ा बिल्कुल 100% सही आंसर है। अब तीसरा क्वेश्चन हम आपको पूछ रहे हैं और तीसरे क्वेश्चन का अगर सही आंसर आप दे देते हैं तो आपको मिलेगी एक सुंदर सी एक ट्रॉफी। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि हम जो चावल की फसल उगाते हैं इधर, तो चावल की फसल को कितना सेंटीमीटर पानी की जरूरत होती है? उसके अंदर में 162 थोड़ा मैंने अप्रोक्सीमेट मेरे को कन्फर्मेशन 262 ऐसा है कुछ है 162। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पर आपका आंसर लगभग लगभग सही है। और इसीलिए हमारे इस फाउंडेशन के तरफ से और श्री ज्वेलर्स तिरोड़ा के तरफ से आज की जो ट्रॉफी है ये जा रही है हमारे परसवाड़ा में मिश्रा जी को। तो एक बार सब लोग तालियों से इनका स्वागत करते हैं। पूरा हमारे चैनल, आप पूरा नाम बता दीजिए आपका। मेरा अरुण कुमार मिश्रा नाम है। मेरी खेती यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पर है। मैं यहाँ का, मैंने पिताजी यहाँ टीचर थे, इस वास्ते मैं इस गांव के अंदर में 50 साल की उम्र हो गई है। अरे वाह, मैं इसी गांव में रहता हूँ और खेती यहाँ से 10 किलोमीटर पर है। खेती भरपूर है और सातों साथ थोड़ा सा मैं सोशल वर्क करते रहता हूँ। गांव के अंदर मेरे को सोशल वर्क करने में निस्वार्थ भावना से काम करने में अच्छा लगता है, न कि स्वार्थ नहीं होना, स्वार्थ से आदमी जीता नहीं। बिल्कुल, और कर्मों से जीता है। बिल्कुल, बस। तो बस हम भी एक सोशल वर्क कर रहे हैं। इस सोशल वर्क में हम लोग अच्छे लोग ढूंढ रहे हैं, स्मार्ट लोग ढूंढ रहे हैं जो हमारे क्वेश्चनों का आंसर दे सके। और हमारा एसपी कलश व्लॉग एक यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर वर्क करते हैं। और यहाँ पर हमें स्पॉन्सरिंग अभी दिया है श्री ज्वेलर्स तिरोड़ा वालों ने, तो ये हमें 15 ट्रॉफियाँ अभी बांटना है। तो चलिए मिलते हैं जी, है ना। चलिए।